Good morning, students. Once again, I am with you. I am talking about living and non-living things. It's a standard of class 3rd. Then some important topics I had already typed on the whiteboard. Now I am talking about living and non-living things. Living things, जिसे हिंदी में हम सजीव प्राणी और non-living things, जिसे हिंदी में हम निर्जीव प्राणी के नाम से जानते हैं. Living things और नॉन लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है. पहला तो है नेचुरल थिंग्स और दूसरा है मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स इट मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं और मैन मेड थिंग्स मानव निर्मित वस्तुएं, इट मीन्स निर्जीव वस्तुएं. नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं जिसमें लिविंग भी सम्मिलित है और नॉन लिविंग भी सम्मिलित है. वी कैन सी दैट इन नेचुरल थिंग्स मैन, माउंटेन्स, रिवर्स, अर्थ, मून, सन, दिस ऑल आर नेचुरल थिंग्स, जिसे हम प्राकृतिक वस्तु के नाम से जानते हैं. जब हम मैन मेड थिंग्स की चर्चा करते हैं तो मैन मेड थिंग्स में आ जाते हैं कार, बस, एरोप्लेन, पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, बेंच, डेस्क, इटीसी. इसमें एक चीज स्पष्ट ये हमें देखने को मिल रही है कि जो नेचुरल थिंग्स होते हैं उस नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. अब लिविंग थिंग्स कैसे आते हैं, तो हम लिविंग थिंग्स में नेचुरल थिंग्स में चर्चा किए हैं मैन की. तो मैन से ऑलरेडी मैन बन चुके हैं. मैन के बाद हम ट्री की चर्चा किए, तो मैन हुआ, ट्री हुआ, एनिमल्स हुआ, ये सारे के सारे आपको नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल हैं. नेचुरल थिंग्स में भी लिविंग थिंग्स, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं माउंटेन, इट मीन्स पहाड़ी की, रिवर की, अर्थ की, सन की और मून की, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो नेचुरल थिंग्स हैं. चूंकि हम अर्थ को बना नहीं सकते, सन को बना नहीं सकते, मून को बना नहीं सकते, इसलिए नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, मतलब सजीव भी और निर्जीव भी. लेकिन जब नॉन लिविंग की चर्चा की जाती है तो नॉन लिविंग में सिर्फ और सिर्फ निर्जीव थिंग्स ही आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. यानी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन स्टिमुली, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट नीड वाटर एंड फूड टू सर्वाइव, दे डू नॉट फील, दे डू नॉट स्टिमुली. इट मीन्स सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर ऑलरेडी रिटन हियर. लिविंग थिंग्स के अंतर्गत हमने चर्चा की गई है दे नीड एयर टू ब्रीथ, उन्हें हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए. हम लोग जानते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. क्या ये ऐसा चीज हम लोग कभी बेंच में, डेस्क में देखा, नहीं देखा, कार में देखा, नहीं देखा, पहाड़ी में देखा, नहीं देखा, तो वो नॉन लिविंग थिंग. दूसरी चर्चा की गई है दे नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव. हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में फिर से भोजन करते हैं, शाम में फिर से ब्रेकफास्ट लेते हैं, रात में डिनर लेते हैं. क्या ऐसा करते हमने कभी बाइक को देखा, कार को देखा, या फिर बेंच डेस्क को देखा, पेन को देखा, नहीं देखा, मतलब वो भोजन नहीं करते, उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती. अगली चर्चा की गई है दे ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज. जब भी हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटे पौधे का, पौधा क्या होता है, जब देखते हैं कि उसे मिट्टी में बोया गया तो वो बहुत ही छोटा होता है, कुछ समय के बाद वो बड़ा, फिर और बड़ा, बड़ा होते होते एक बड़ी सी पेड़ का रूप ले लेता है, वृक्ष का रूप लेता है. तो देन वी कैन से दे इंक्रीज इन साइज एंड ग्रो ऑल्सो. अगली चर्चा की गई है दे कैन मूव. लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में है ट्रीज, चूंकि पेड़ पौधों को हम टहलते हुए नहीं देखते, लेकिन और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन, हम लोग, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी एक स्थान से दूसरी स्थान तक मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं. अगली चर्चा की गई है दे कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनन करना, प्रजनन करना.
अपनी जैसे बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। जैसे एक छोटा सा बिल्ली वो अपने जैसे बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती है, एक छोटा सा अगर हम कुत्ते की चर्चा किए डॉग तो वो डॉग भी अपने बच्चे को जन्म देती है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हेन मुर्गी, जैसे स्नेक सांप। तो ये वैसे जंतु जो अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम ओविपोरस के नाम से जानते हैं, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ओविपोरस, यानी अंडप्रजक जीव, अंडे से जन्म देने वाले जीव को ओविपोरस के नाम से जानते हैं। अगली चर्चा की गई है दे कैन फील, यानी लिविंग थिंग्स फील कर पाते हैं, हम और आप फील कर पाते हैं। जैसे हमें गर्मी लग रही है, हवा चली, फैन चली और सुकून मिला, मतलब हम महसूस कर सकते हैं कि हवा बह रही है। उसी प्रकार से जब हम खाली पैर किसी पथरीली जगह पे चल रहे हो जहाँ बहुत से कंकर पत्थर बिछे हो तो हमें वो चुभता है, चुभने के बाद एहसास होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो इट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स कैन स्टिमुलेट, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स का ठीक अपोजिट इसका सब लिख सकते हैं कि दे नीड एयर टू ब्रेथ, तो यहाँ हम लिखेंगे दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ। यहाँ दे नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, तो यहाँ हम लिखेंगे दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। हम यहाँ लिखेंगे दे कैन मूव लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में लिखेंगे दे कैन नॉट मूव। यहाँ लिखेंगे दे कैन रिप्रोड्यूस, ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, यहाँ लिखेंगे दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ लिखेंगे दे कैन फील, यहाँ लिखेंगे दे कैन नॉट फील, मतलब लिविंग थिंग्स में जो भी चीजें होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। नेक्स्ट चर्चा की गई है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जो लिविंग थिंग्स है वो सांस लेती हैं, जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं नाकों के द्वारा। तो ये जो सांस लेने की क्रिया होती है क्या वो सभी लिविंग थिंग्स में एक जैसे होती है? तो नहीं, सभी लिविंग थिंग्स में इसके लिए अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, आज उसकी चर्चा करेंगे। जिसमें पहला चर्चा किया गया है मछली, फिश, मछली जल की रानी है, कई बार हम लोग सुने भी है, पढ़े भी है कविता में। तो ये जो फिश है ये किस प्रकार सांस लेती है? तो फिश में सांस लेने के लिए पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गन बना होता है, विच ऑर्गन इज मेड फॉर द फिश टू ब्रीथ, वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा मछली सांस लेती है? तो याद रखना है गिल्स, गिल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं गलफरा। मछली जिस चीज से सांस लेती है उसका क्या नाम है? तो उसे हम कहते हैं गलफरा, यानी गलफरा, मछली गिल्स से सांस लेती है। दूसरी चर्चा की गई है फ्रॉग, फ्रॉग को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेढक, और मेढक क्या है? तो याद रखिएगा मेढक को कहा जाता है एम्फीबियन, मेढक को क्या कहा जाता है? एम्फीबियन। और एम्फीबियन किसे कहा जाता है? तो एम्फीबियन कहा जाता है वैसे जीव को जो वाटर में भी रहे और जो सॉइल पर भी, अर्थ पर भी, मिट्टी पर भी रहे। तो हम देखते हैं मेढक पानी में भी रहता है और मेढक मिट्टी पर भी रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं? एम्फीबियन। तो एम्फीबियन का एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग। तो याद रखेंगे जब फ्रॉग सांस लेती है, जब वो मिट्टी पर होती है, पृथ्वी पर होती है, तो वो किस चीज से सांस लेती है? वो लंग्स से सांस लेती है। लंग्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा, LUNGS। तो मेढक सांस लेती है जब वो मिट्टी पे होती है, फेफड़े के द्वारा सांस लेती है, लेकिन जब वह पानी में होती है तो किस चीज के द्वारा सांस लेती है? तो अपनी स्किन के द्वारा, अपने चमड़े के द्वारा सांस लेती है। और मेढक को क्या कहा जाता है, कौन सा एनिमल? तो मेढक को एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयचर। एम्फीबियन को हिंदी में बोलते हैं उभयचर। अब उभयचर किसे कहते हैं? The things, the animals that can live in water and also in the earth is called amphibian, frog। अगली चर्चा की गई है ants, grasshoppers and cockroach की। Ant, चींटी, grasshopper, टिड्डा, जो हरे रंग का होता है और अचानक से वो उड़ता रहता है,
बैठा बैठा फिर से कभी उड़ के आपके चेहरे के पास आ गया, कभी आसपास गिरता है, उसे कहते हैं टिड्डा। तो ये जो ग्रास हॉपर है और कॉकरोच, कॉकरोच जानते हैं तिलचट्टा के नाम से जाना जाता है। तो चींटी, टिड्डा और तिलचट्टा ये किस चीज के द्वारा सांस लेते हैं? तो इनमें सांस लेने के लिए एक अलग अंग बने होते हैं जिसे हम लोग एयर होल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सभी है लिविंग थिंग्स। तो इस प्रकार हम पढ़े कि लिविंग थिंग्स की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता होती है जिंदगी जीने के लिए, फूड एंड वाटर की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, ग्रो कर सकते हैं वो, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फील करते हैं, और सांस लेने के लिए कुछ ऐसे अंग बने होते हैं जिस प्रकार से भोजन करने के लिए मुख बने होते हैं, वैसे सांस लेने के लिए नाक से अंदर के द्वारा पार्ट बने होते हैं जिस प्रकार से हम लोग सांस ले पाते हैं। तो ये पहले चैप्टर में कुल मिलाकर के बस आपको इतना ही पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। इस चीज को आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे और जो चीज फिर ना समझ में आए हमें बता देंगे, हम इसका जो क्वेश्चन आंसर भी है वो भी हम पीडीएफ के रूप में तैयार करके आपको भेज देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।